समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी को उतारा है, काजल निषाद हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे। काजल जी, आपको गोरखपुर से मेयर का प्रत्याशी? सर्वप्रथम मैं न्यूज 24 को नमस्कार करती हूँ, आपको भी नमस्कार। और यहाँ पे लिखा है थिंक फर्स्ट, मतलब सोचिए, पहले सोचिए क्या क्या मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का है, रोजगार का है, शिक्षक भर्ती का है, कूड़ा कचरा जो अलग अलग जगहों पे देखते हो उनका है, साफ सफाई का मुद्दा है, और मच्छरों का बहुत आतंक ज़्यादा होता है वो मुद्दा है, सांड का सबसे ज़्यादा मुद्दा है, योगी बाबा के जो दोस्त मित्र बने हुए हैं जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कौन मुद्दा नहीं है। हर एक बच्चा बच्चा परेशान है, है? जो ये जो बच्चे दौड़ते रहते हैं और उनको अग्निवीर जो बनाया जाता था और जिस तरह से कहा है अग्निवीर की भर्तियां होगी, हर एक बच्चा सुबह सुबह निकल के दौड़ने लगता है, हर किसी को रोजगार के लिए जो परेशान आप देख रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा का देख लीजिए ना, कहाँ यहाँ सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश कहाँ सुरक्षित है। कानपुर के कांड देख लीजिए आप, अभी गोरखपुर का आपने वो देखा था, वो बेचारा मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ, कौन से कांड नहीं है आए दिन। अभी हमारे एक और जो है पीयूष रंजन जी हैं, देखिए बलात्कार के मामले में चले गए अंदर, बलात्कार के मामले में हर भारतीय जनता पार्टी का हर दूसरा नेता गिरफ्तार हो रहा है, या नहीं भी हो रहा है तो बलात्कार के मामले में वो संलिप्त पाया जाता है। क्यों भाई, बलात्कारी पार्टी है क्या है ये? भारत जलाओ पार्टी है? मशीन रखा है क्या, कोई मशीन रखा है वॉशिंग मशीन कि भाई आएंगे बलात्कारी अपराधी जितने गुंडे आए मशीन में से निकल के एकदम दूध के धुले होकर निकल जाए। बहुत मुद्दे हैं जनता के पास, सोशल मीडिया डोर टू डोर ऐसा पहुंचा हुआ है भैया, उनकी करनी और कथनी में इतना अंतर है, पहले की वीडियो आज हर कोई चला रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या लगता है ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद है, आप काजल निषाद है, यहाँ से आपको टिकट मिला है सपा समाजवादी पार्टी में, तो लड़ाई आप किससे मानती हैं? देखिए संजय निषाद जी का नामकरण मैं कर रही हूँ, पहले भी किया अभी भी कर दे रही हूँ, उनको मैंने नाम दिया है खजूर निषाद जी, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे कबीरदास जी का दोहा है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। क्या मतलब है कि बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा हो गया है नाम उनका, कैबिनेट मंत्री, वाह वाह क्या बात है, निषाद समाज के महामना हो, अपने आप को गॉड फादर भी बोलते हैं, अपनी आरती भी करवाते हैं, भैया आरती करवाते हैं, राम जी एक फोटो पीछे रहता है, उसके बाद निषाद राज जी का फोटो भी बगल में कहीं, अपना स्वतः बैठते हैं आरती करवाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा समाज का आरक्षण जो है वो सरकार ने दे दिया है। कैसे दिया है? घर भर को दिया है, अपना आरक्षण पूरा जो है समाज का गटक गए हैं, तो हो गए हैं महामना, बड़े हो गए हैं, लेकिन न पंछी को छाया मिल रही है, न पंथी को छाया मिल रही है, न फल कोई खा पा रहा है, समाज जो है उनको लाभ मिल नहीं रहा, तो वो खजूर के पेड़ है, तो महामना खजूर निषाद जी वो है, पूरा समाज जान गया है। गोरखपुर से मेयर के लिए चुनाव आपको समाजवादी पार्टी दे दे, ऐसे में क्या आप गोरखपुर पूरा घूमिए, क्या लगता है पहले अब में कितना परिवर्तन हुआ? देखिए गोरखपुर ग्रामीण से भी मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ, गोरखपुर मेरा खुद का ससुराल है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो मैं देखती हूँ। ये बताइए, योगी जी कई साल तक सांसद रहे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, ऐसे शहर में जहाँ योगी जी का गढ़ है, जहाँ हमारे निषादों का मंदिर भी है बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का, जहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब मैं बताना चाहती हूँ निषाद समाज को, एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए, अपनी बहन पे भरोसा रखिए, साथ सहयोग प्रेम आशीर्वाद दीजिए, तो आपके मच्छिंद्र जो हमारे मच्छिंद्र बाबा नाथ जी का मंदिर जो है, कम से कम जो उन्होंने द्वार भी नहीं बनाया है बाबा के नाम का, मच्छिंद्र नाथ निषाद जी के नाम का, वो द्वार तो कम से कम मिले, वो मंदिर तो कम से कम मिले जो हमारा है। मैं हमेशा ही गोरखपुर में आती जाती हूँ, रहती हूँ, मेरा गांव है, मेरा घर है, क्या परिवर्तन हुआ? एक सांसद जो कई सालों से सांसद है और फिर मुख्यमंत्री भी बनता है, क्या परिवर्तन है? मुझे बताइए, अभी आप ये खुद ही आइए, देख रहे हैं मैं सोसाइटी में रहती हूँ, देखिए कैसा रंग रोगान है, ये बाबा की नगरी ऐसे होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का शहर ऐसा होना चाहिए, सांड नहीं घूमते हुए नजर आते हैं, कूड़ा कचरा नहीं नजर आता आपको, नालियाँ चौप आपको नजर नहीं आती है, तो ऐसा होना चाहिए मुख्य। क्या लगता है आप अगर मेयर होंगी तो क्या परिवर्तन कर देंगे? और दूसरी बात यह है, और एक बात बताती हूँ आपको, कि ये जो बनारस गोरखपुर बनारस वाला रोड है, हाँ वो क्या कहा था कि 3 साल में पूरा करेंगे, हाँ 2018 में कुछ कंप्लीट हो जाना था, अब देखिए 8 साल तो वैसे ही हो गए, कब कंप्लीट करेंगे? इतने परेशान है लोग आते जाते, जब बारिश होती है ना भैया, एक बार बारिश में मेरे साथ लाइव करिएगा आपका ये डिबेट,
और देखिएगा कि लोग किस तरह परेशान है। दोपहिया वालों का ऐसा हाल, तुरंत ही एक्सीडेंट होता रहता है, कहाँ करेंगे ये मुझे बताइए। अच्छा, कहते हैं कि मंदिर महाराज जी या मंदिर के जो भी घोषित होता है वही जीतता है। 3 बार बीजेपी के रहे, जब महाराज जी ने नहीं किसी को चुना तो आशा देवी यहाँ इसके पहले बनी थी, तो क्या लगता है कैसे अपने आप को पाती हैं गोरखपुर में? गोरखपुर की जनता तय करेगी, इस बार मैं नहीं चुनाव लड़ रही हूँ, इस बार लड़ रही है गोरखपुर की जनता। गोरखपुर की जनता को सब ठीक लग रहा है, ओके लग रहा है, अच्छे दिन लग रहे तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छे दिन चल ही रहे हैं। अगर गोरखपुर की जनता को ये जो है गैस का सिलेंडर सस्ता लग रहा है तो ठीक है, हमारी स्मृति ईरानी बहन कहीं नहीं दिख रही है तो ठीक है, सवाल राशन नहीं तो फ्री मिल रहा है ना? हाँ, राशन तो फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल, शिक्षा फ्री नहीं मिल रही है तो ठीक है, जब सब अच्छे ही दिन है तो कोई बात नहीं। तो इस बार मैं नहीं लड़ रही हूँ, मेरे माध्यम से जनता लड़ रही है और जनता तय करे कि उनको परिवर्तन चाहिए या बिल्कुल जैसे दिन ब दिन बीते जाए, साल महीने बीते जा रहे और सब कुछ चलते जा रहा है, बस चलते जाए तो ठीक है। कब आप नामांकन करेंगे? 16 को करूंगी मैं। अच्छा, एक आप महिला भी हैं और यहाँ लगता क्या लगता है कि महिलाओं के लिए नहीं हुआ वो आप करेंगे? पहली बात तो कि महिला सुरक्षित नहीं है, ये भले कहे अमित शाह जी आके बोले कि मैं दूरबीन से देख रहा हूँ कि बेटी जो है स्कूटी लेकर रात को घूम रही है, महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देख रहे हो चेन से स्नेकर जो घूमते रहते हैं, उनकी चेनें खींच लेंगे, कभी कोई जैसे बंगलो टाइप आप देखेंगे ना, ये तारामंडल है तो ये बंगलो एरिया है, तो सुमसान बंगले भी रहते हैं ना, देखिएगा कोई भी बाइक वाला आके घुस जाएगा अंदर और वो बंगले में से कहे पानी कुछ मांगेगा या कोई और अपना कुछ भेस बना कर आएगा मदद के नाम से, कोई बेचने वाले के नाम से आ जाएगा, तो ऐसे वो लोग चेन खींचते, ऐसे गहने चोरी करते हैं। ये रात को 12 बजे की बात ही कहाँ है भैया, दिन दहाड़े ये सारी चीजें हो रही है। फिर बलात्कार के मामले नहीं जानते भैया, पीयूष रंजन जी को जानते हैं, अभी अभी जो है विधायक जी हैं सत्ता के, देखिए कैसे मामले में फंसे हुए कि बलात्कार कर दिए, क्या कहा बच्ची को कि हम जो आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा देंगे, आपको दिलवा देंगे हैं सर्टिफिकेट, और जाके जो है नशा का गोली देकर बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तो ये पार्टी में लोग भरे हुए हैं, कहाँ महिलाओं के लिए सुरक्षित है? तो महिलाओं की हमेशा मैंने आवाज़ उठाई है, सबकी आवाज़ उठाई है, मैंने तो कोई जात पात का भेदभाव किया ही नहीं है, सबकी आवाज़ उठाई है, गलत है उसको गलत कहूंगी। और महिलाओं के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वरोजगार की योजना भी होनी चाहिए, महिलाएं जो है बहुत सारे चले डॉक्टर वकील इंजीनियर वो सब ठीक है, लेकिन जो घर में रहती है घरेलू महिलाएं, वो अपना स्वरोजगार करके भी अपना भरण पोषण पालन पोषण परिवार का कर सके। ये हमारे साथ थी काजल निषाद ने, समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। अजीत सिंह, News 24 गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।